नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है श्री इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के बेस्ट फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन के बारे में, जो कि ओडिशा में मैन्युफैक्चर होके ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, और ये एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। आज हम जिस मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फुल्ली ऑटोमेटिक है, और ये मशीन सारा काम अपने आप से ही करता है, चाहे रॉ मटेरियल्स का मेजरमेंट हो कि कितना डालना है, और रॉ मटेरियल का वेट रेशियो आप अगर एक बार सेट कर देंगे तो वो सारा काम मशीन खुद ब खुद करते रहेगा। इसीलिए तो ये है इंडिया का मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी और फुल्ली ऑटोमेटिक फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन। तो आज हम आके पहुंचे हैं जाजपुर टाउन के साहू बाबू के पास, जिन्होंने श्री इंजीनियरिंग से 12 ब्रिक्स डबल सिलेंडर हाई स्पीड हाई प्रेशर फुल्ली ऑटोमेटिक फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन खरीदा है। और साहू बाबू को एक साल से ऊपर हो गया है इस मशीन के साथ काम करते हुए, और आज तक साहू बाबू ने इस मशीन के मेंटेनेंस के ऊपर एक भी पैसा खर्चा नहीं किया है। तो आज हम जानने वाले हैं इस मशीन के बारे में, क्योंकि जब आप मशीन को अच्छे से समझेंगे तब आप बेहतर तरीके से बिजनेस को कर पाएंगे। चलिए जानते हैं इस मशीन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस फ्लाई ऐश मशीन में एक बेचिंग प्लांट लगा हुआ है, और ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसमें 3 हॉपर्स लगे हुए हैं, जिसमें पहले हॉपर में रहता है फ्लाई ऐश और उसकी कैपेसिटी है 12 मेट्रिक टन। और इसमें एक वाइब्रेशन मोटर लगा हुआ है, क्योंकि जब कभी मटेरियल हॉपर में ब्लॉक हो जाए तो स्मूथली मटेरियल को डिस्चार्ज करने के लिए ये मदद करता है। और दूसरे हॉपर में रहता है सैंड, जिसकी कैपेसिटी है 15 मेट्रिक टन। और तीसरा हॉपर स्मॉल हॉपर सीमेंट के लिए है, और इसकी कैपेसिटी है 2 मेट्रिक टन। इस मशीन का सारा काम एक कंट्रोल पैनल के जरिए ऑपरेट किया जाता है। जो प्रोग्राम कंट्रोल पैनल में सेट किया जाता है उसी प्रोग्राम के अनुसार ये मशीन ऑपरेट होता है। और इस कंट्रोल पैनल में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर लोडर से मटेरियल कैसे हॉपर में फीड किया जा रहा है। एक ट्रैक्टर लोडर और एक बेचिंग प्लांट 10 से 12 लेबर का काम एकदम अच्छे से कर सकते हैं, और इसकी वजह से भी आपका लेबर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बचता है। बेचिंग प्लांट के कंट्रोल पैनल में पहले से सेट किया हुआ वेमेट के वेट के हिसाब से मटेरियल मिक्सिंग में जाता है। ये बेचिंग प्लांट हर एक मिक्स एवरी बैच में सेम वेट के हिसाब से ही मटेरियल मिक्सचर में फिट करता है, इसीलिए हर एक बार सेम वेट का मटेरियल बेचिंग प्लांट देता है, इसीलिए ब्रिक्स की क्वालिटी हर बार सेम होती है। जो वेट प्रोग्राम आपने कंट्रोल पैनल में सेट किया होगा उसी प्रोग्राम के हिसाब से बेचिंग प्लांट से मटेरियल मिक्सर में जाएगा, और मिक्सर से ऑटोमेटिक मिक्स होके मशीन तक जाएगा, और फिर मशीन से ऑटोमेटिक प्रेस होके ब्रिक्स का आउटपुट निकल जाएगा। और इस मशीन में किया गया फ्लाई ऐश का वेट रेशियो है 130 केजी, सैंड का वेट रेशियो है 150 केजी, सीमेंट का वेट रेशियो है 22 केजी, और वाटर का वेट रेशियो है 24 केजी। और इसका वेट रेशियो आप सीजन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद मशीन अपने आप मेजर करके मटेरियल्स को पैन मिक्सर में लेके जाता है। क्योंकि ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है, इससे आपका लेबर कॉस्ट भी बचता है और टाइम कंजप्शन भी बहुत कम होता है। श्री इंजीनियरिंग की तरह परफेक्शन आपको किसी भी मशीन में देखने को नहीं मिलेगा। आपने जितना वेट रेशियो सेट किया होगा उसी रेशियो के अनुसार आपका रॉ मटेरियल कन्वेयर बेल्ट के द्वारा पैन मिक्सर में जाएगा, जिसका फायदा ये होगा कि आपको हर बार क्वालिटी सेम मिलेगा। और फिर रॉ मटेरियल कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हॉपर में पहुंचता है, जहां से ब्रिक्स प्रेस होके बाहर निकलेगा। ये डबल सिलेंडर के द्वारा प्रेस होता है, जिसका हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर है 4750 PSI, और मशीन टॉनेज है 250 मेट्रिक टन, और इसमें 100 LPM का पंप लगा है। हॉपर से मटेरियल डाई में पहुंचता है, और इसमें वाइब्रेटिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ब्रिक्स बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। और 250 मेट्रिक टन में डबल सिलेंडर के द्वारा मटेरियल जब प्लाई के ऊपर प्रेस होता है तो ब्रिक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है, और उसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा रहता है। और इसमें से एक स्ट्रोक में 12 ब्रिक्स का आउटपुट निकलता है, और एक मिनट में ये मशीन 4 स्ट्रोक देती है, जिसका मतलब ये है कि एक मिनट में आपको 48 ब्रिक्स का आउटपुट मिलता है, और एक शिफ्ट में यानी कि 8 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 22,000 ब्रिक्स का आउटपुट मिलता है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है।
और ब्रिक्स का आउटपुट निकलने के बाद आप ब्रिक्स को डायरेक्टली स्टैक में सजा के रख सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट ट्रैक्टर, डंपर या हाईवा से अनलोड भी कर सकते हैं। इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि ब्रिक्स की क्वालिटी कितनी ज्यादा अच्छी है और कितने मजबूत बने हुए हैं। और साहू बाबू को करीबन एक साल के ऊपर हो गया है श्री इंजीनियरिंग की इस 12 ब्रिक्स डबल सिलेंडर हाई स्पीड हाई प्रेशर फुल्ली ऑटोमेटिक फ्लायर्स ब्रिक मेकिंग मशीन के साथ काम करते हुए। और अभी जैसे समर सीजन चल रहा है इसीलिए रात के वक्त भी प्रोडक्शन का काम चालू है, और साहू बाबू ने आज तक मेंटेनेंस के ऊपर एक भी रुपया खर्चा नहीं किया, क्योंकि श्री इंजीनियरिंग अपने सारे पार्ट्स खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसकी वजह से उनके सारे मशीन की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और सर्विसिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोटेशन के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसके द्वारा हम जब भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय जगन्नाथ।